मोदी जी 56 इनकी साथ छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे हैं। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके खाए? क्या वो खिलाए है क्या? कांग्रेस नेताओं में इन दिनों मानो भाषा की मर्यादा को तार तार करने की प्रतिस्पर्धा चल रही हो। पहले सुप्रिया श्रीनेत्र का कंगना रनौत पर निहायत ही महिला विरोधी और भद्दा पोस्ट वायरल होता है। हालांकि उसके बाद श्रीनेत्र ने सफाई दी कि उनके अकाउंट से किसी और ने यह हिमाकत कर दी थी। वैसे ये सफाई ज्यादा लोगों के गले नहीं उतरी। इसके बाद कांग्रेस के एक और वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री रहीं हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। सुरजेवाला को भी इस बयान पर खूब लानत मलानत झेलनी पड़ी। लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष और वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसल गई है। पीएम मोदी पर बयानबाजी करते हुए खड़गे ने जो कुछ कहा है वह राजनीतिक मर्यादा के और भाषाई मर्यादा के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सुनिए पीएम मोदी पर हमला करते हुए कैसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बदजुबानी पर उतर आए। मोदी जी 56 इनकी साथ छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे हैं। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? पीएम मोदी पर खड़गे की इस टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आई डोंट वॉन्ट टू यूज दिस सच ए फिल्दी लैंग्वेज। ही शुड अंडरस्टैंड वॉट लैंग्वेज ही शुड डू। ही इज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी। वॉट लैंग्वेज इज यूजिंग? एंड आई विल आस्क हु हैड कंज्यूम्ड द अफीम व्हेन 34,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड वॉज ग्रैब्ड बाई द चाइना इन 1962। हु हैड कंज्यूम्ड? But in spite of that, such a filthy language using, it is most condemnable and I strongly oppose it. पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की बढ़ती बदजुबानी से कांग्रेस का ही नुकसान हो रहा है। हालांकि अब जब पार्टी के अध्यक्ष की ही जुबान फिसल जा रही है तो बाकी कांग्रेस नेताओं को भाषा की मर्यादा कौन सिखाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।